वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। चेहरे की स्किन को एकदम से टाइट और टोन्ड करने के लिए बहुत ही असरदार और बहुत ही आसान सी रेमेडी बताने जा रही हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, घर वाली चीजों से ही हम अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं और बहुत ही इजीएस्ट वे है। जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले आपकी जो स्किन है वो एकदम से साफ होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर हम लगाएंगे फेस पैक। अब फेस पैक आप कोई भी ले सकते हो, आप मार्केट वाला जो आपको सूट करता है वो भी ले सकते हो, आप घर पे DIY जो फेस पैक्स हम बनाते हैं वो वाला भी बना सकते हो। एनी फेस पैक जो आपको सूट करता है, इवन आप दही बेसन और हल्दी वाला फेस पैक भी अपने चेहरे पर लगा सकते हो। मैं बेला विटा ऑर्गेनिक का सी ग्लो लगा रही हूँ, कोई भी आपको सूट करता है आप लगा सकते हो। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शंस में लगाना है इस तरह से, क्योंकि हम स्किन टाइट करने के लिए ये चीज कर रहे हैं, तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है। आपका जो पैक है रैंडमली आपने फेस पर इस तरह से नहीं लगाना, आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शंस में, अपवर्ड स्ट्रोक्स इस तरह से आपने इसको देने हैं और इसको ऊपर की तरफ लिफ्टेड रूप में पैक को लगाना है। इसी तरह से आपने माथे पर भी इस तरह से अपर ऊपर की तरफ इसको लगाना। इस तरह से हम पूरा फेस पैक लगा लेंगे। आईज का एरिया छोड़कर मैंने बाकी सारी फेस पर इसको लगा लिया है। अब मैं इसको तब तक लगाकर रखूंगी जब तक ये कम्प्लीटली 100% ड्राई ना हो जाए। बिल्कुल आपने इसको ड्राई करना है, तब तक आप आराम से लेट जाइए और चिल कीजिए। इवन आप अपनी नेक पर भी इसको अपवर्ड स्ट्रोक्स में इस तरह से लगाकर रख सकते हो। अब जब आपका फेस पैक एकदम से ड्राई हो गया है तो आपने लेनी है आइस क्यूब। ये जो आइस क्यूब है ये नॉर्मल आइस क्यूब नहीं है, मैंने रोज वाटर को फ्रीज किया था। अगर आपके पास रोज वाटर यानी कि गुलाब जल नहीं है तो नॉर्मल पानी भी आप फ्रीज करके उसकी आइस क्यूब यूज कर सकते हो। इट इज ऑप्शनल, लेकिन फॉर बेटर और ग्लोई रिजल्ट्स आप रोज वाटर को फ्रीज कीजिए। अब इसको हम इस पैक के ऊपर सर्कुलर मोशंस में इस तरह से मसाज करेंगे। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पर आपको रिंकल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर रिंकल्स हैं या यहाँ पर आपको रिंकल्स हैं, तो आपने उस जगह पर इस आइस क्यूब को इस तरह से प्रेस करना है, जस्ट प्रेस इट, और बाकी जगह पर आपने इस तरह से सर्कुलर मोशंस में मसाज करनी है। इसको आपने पूरी तरह से अपने फेस पर रब कर लेना है और जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए, आप चाहो तो दो आइस क्यूब्स भी यूज कर सकते हो। बस इसको कर लेने के बाद नाउ आई विल वॉश माय फेस। बस पानी से चेहरा धो लेने के बाद आपने उसको ड्राई कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर आपने लगा लेना है अपना कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर जो भी आपको सूट करता है। दैट्स इट। अब इसको आपने कब करना है, इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हो और हफ्ते में दो बार इसको जरूर कीजिए अब अपनी स्किन को टाइट रखना चाहते हो तो। बहुत ही आसान है और आपको फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपको खुद रिजल्ट दिखाई देगा, आपकी स्किन में टाइटनेस फील होगी और आप चाहते हो कि आपकी स्किन हमेशा टाइट रहे, तो इसको रूटीन में जरूर इंक्लूड कीजिए। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव रेमेडी, जस्ट ट्राई दिस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।